भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अगले साल आईपीएल में महंगी बोली के बारे में सोच रहे हैं और इसी कारण वो डरे हुए हैं। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 5 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के साथ ज्यादा बहस नहीं की और शांति से मैच खेला। सहवाग ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अगले साल होने वाले आईपीएल बोली के कारण डरे हुए हैं। अगर वो वनडे सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों से भिड़ते या नोक झोंक करते तो हो सकता है कि भारतीय फ्रेंचाइजी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगाने से पहले कई बार सोचते। इसी कारण उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के साथ ज्यादा बहस नहीं की। सहवाग ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्लेजिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ आईपीएल। सहवाग ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है और इसी कारण टीम पर दबाव भी आ जाता है। अगर दोनों में से कोई भी खिलाड़ी सस्ते में आउट होता है तो टीम बिखर जाती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दबाव है क्योंकि अब उनके पास पहले जैसे महान खिलाड़ी नहीं बचे हैं जो अकेले दम पर मैच को जिता देते। उनकी टीम अब 2 या 3 खिलाड़ियों पर निर्भर है। अगर डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और एरन फिंच सस्ते में आउट हो जाते हैं तो टीम फ्लॉप हो जाती है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। इससे पहले 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से धो दिया था। इस जीत के साथ ही भारत ने आईसीसी रैंकिंग में पहला नंबर भी हासिल कर लिया था। भारतीय टीम अगर T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा देती है तो टीम आईसीसी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।